जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी वालों सुन लो, भैया आ गए हैं कर्नाटक के विकास के भैया। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। एंड डिंपल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रद्धे नेताजी जिंदाबाद। डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कन्नौज का भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। कृष्ण कन्हैया जिंदाबाद जिंदाबाद। सबका भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों दोनों हाथ उठा के एक हेलो। हम नहीं से बिना पूछे थोड़ा बुलवाई दूंगी। जोरदार स्वागत के लिए अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा मदद किया करो, सब लोग अच्छे से कार्यक्रम हो जाए। मैं ए अभी हाँ ए सब भैया के दुलारे लड़को थोड़ा शांत हो जाओ। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय उर्मिला राजपूत जी को बीच से हटाना पड़ा था, हम माफी चाहते हुए दो मिनट के लिए कहेंगे कि आदरणीय उर्मिला राज विधुना से विधायक पुराने समाजवादी पार्टी के परिवार की बहू आदरणीय रेखा वर्मा जी से हमारा अनुरोध है कि आइए और जोरदार नौजवानों में क्रांति का अलख जगाइए। आदरणीय रेखा वर्मा जी, आज इस चुनावी जनसभा में हमारे बहुत ही सम्मानी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश भैया जी, जो कि कन्नौज से प्रत्याशी बन के आए हैं, और ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीट हमारे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाएगी, इसलिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोलकर सरकार बनाई थी, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री जी क्या चिल्लाते हैं, 400 बार इस बार हम लोगों को दिखा देना है। इस बार हम लोगों की लड़ाई आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, 400 पार की लड़ाई नहीं है, आर पार की लड़ाई है। हम इस लड़ाई में आप सभी लोगों का सहयोग चाहते हैं, और साथ ही एक बात बताना चाहते हैं कि अभी आप लोगों ने देखा था कि तिरवा में हमारी रानी अवंती बाई की प्रतिमा को रखा गया और 2 घंटे बाद प्रशासन से हटवा दिया गया। पता नहीं कौन सा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाके मुर्दाबाद के नारे लगाए तो वही प्रतिमा वहां पर स्थापित कर दी गई। लेकिन वहां पर जब हमारे सभी जितने भी वहां लोधी समाज के लोग थे, उन्होंने सांसद जी से कहा, पाठक से कहा कि देखो हम लोगों ने आपको वोट दिया है, तो वे क्या बोले कि वोट दो नहीं खरीदो है, कि सुना महाराज ये वोट दो नहीं खरीदो है। इस बार इस सांसद को दिखा देना कि लोधी वोट बिकाऊ नहीं टिकाऊ है, टिकाऊ है। बताइए इस बार आप लोग दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, लोधी वोट आपके मान सम्मान की बात है, आप लोग इस बार दिखा देना इस सांसद को कि लोधी वोट बिकाऊ नहीं टिकाऊ वोट है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तय करने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, उसमें पीडीए है, पी से मतलब पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, तो हमारी यहाँ पर पिछड़ा
दलित अल्पसंख्यक अगड़े पिछड़े और हमारी आबादी आदि आबादी माताएं बहनों की लड़ाई है। बताइए इस लड़ाई में आप लोग साथ देंगे? एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अपने आगामी प्रधानमंत्री जी माननीय अखिलेश यादव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और मैं कन्नौज लोकसभा की एक विधुना विधानसभा से है, वहां से आपकी समाज की लोधी समाज की रेखा वर्मा, मतलब लोधी समाज की वहां से विधायक है, इसलिए हम अपने लोधी समाज से आग्रह करने आई हूं कि आप लोग एक एक बटन साइकिल का दबाइएगा, बटन दबा दो साइकिल का, भैया आने वाले हैं, बटन दबा दो साइकिल का, भैया आने वाले हैं। इस बार मोदी जी को दिखा दो, आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। यहाँ पर ज्यादा कुछ ना कहते हुए, अभी हमारे भैया जी पिछले दिनों आए थे, उन्होंने कहा था कि हम जीत जाएंगे तो यहाँ पर जो गहरा की वो हवाई पट्टी है वो रानी अवंती बाई के नाम से रख दी जाएगी, और जो कन्नौज में पैरा मेडिकल है वो भी रानी अवंती बाई के रखा जाएगा। इसलिए हमारे भैया को आप लोग यहाँ से ऐसा जिताओ ऐतिहासिक जीत, जो कि जितने भी इस समय का पाठक है उनकी जमानत जब्त हो जाए। बताइए आप लोग जमानत जब्त करवाएंगे? एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी के लिए। जय हिंद, जय समाजवाद, धन्यवाद। बोलो अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, धन्यवाद। हम अनुरोध करेंगे, ये मेरे भैया तेरे हाथ छोड़ ले, नीचे उतर जा, माइक नीचे गिर जाएगा। और बैरिकेडिंग तोड़नी है तो भाजपा की तोड़ो। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पूर्व विधायक हमारी पार्टी के नेता आदरणीय ताहिर हुसैन सिद्दीकी साहब से, आइए जोरदार इनकलाब के साथ ऐलान करिए कि हम कन्नौज जीतेंगे। मैं बहुत संक्षेप में आज चुनावी सभा में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, ये हमारी खुशनसीबी है, कन्नौज की जनता की खुशनसीबी है, कन्नौज क्षेत्र की खुशनसीबी है, बेमानी अखिलेश यादव जी हमारे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां का विकास जो समाजवादी पार्टी के टाइम का विकास, माननीय अखिलेश यादव जी के समय का विकास, वही विकास यहां पर दिखाई पड़ रहा है। इन पांच सालों में किसी तरह का कोई विकास दिखाई नहीं पड़ा है। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिलासा दिलाना चाहता हूं कि आपको लाखों लाख वोट से यहां की जनता जिता करके लोकसभा भेजेगी। आज हर समाज हर वर्ग के लोग माननीय अखिलेश यादव जी को वोट दे रहे हैं, जनता को इंतजार था आपका। और ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन, मामूली इलेक्शन नहीं है, बहुत बड़ा इलेक्शन है, बहुत बड़ा फैसला लेना है, देश के लिए फैसला लेना है, संविधान बचाने के लिए फैसला लेना है। जब हमारे देश का संविधान बचेगा तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारा अधिकार बचेगा, तभी हमारा आरक्षण बचेगा। इसीलिए मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 13 तारीख को किसी तरह की कोई चूक ना हो, एक एक वोट विकास के नाम पर, एक एक वोट आरक्षण को बचाने के नाम पर माननीय अखिलेश यादव जी को साइकिल चुनाव निशान पर दे देना। यहीं से विकास की शुरुआत होगी, यहीं से आरक्षण बचेगा। जय भीम, जय भारत, जय खुदाबी, जय समाजवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, अनुरोध कर लो सब आगे आ जाए, जो ये पीछे खड़े हो और जब अपने भैया के लिए आए हो तो पीछे क्यों आगे आओ। मैं अनुरोध करूंगा अपने बड़े भाई आदरणीय राम शंकर लोधी जी से कि आए
और आशीर्वाद प्रदान करें आदरणीय रामशंकर लोधी जी। आज हथेरन के रामलीला मैदान में हो रही चुनावी जनसभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भैया अखिलेश यादव जी बसम्मानित मंच, ये जनता आज बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दफन होने वाला है। हमारे पूर्व के साथी विकास पर भी बोले होंगे, पीडीए पर भी बोले होंगे, लेकिन साथियों अगर लोकतंत्र बचाना है, देश का संविधान बचाना है, तो इंडिया गठबंधन में आकर के समाजवादी पार्टी को जिताइए। और मैं अपने लोधी समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि यह हथेरन के आसपास बहुत बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोग और इस जनसभा में आए हुए हैं। मैंने नुक्कड़ सभाओं में गांव-गांव जाकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र लोधियों के सामने बताया है कि जब जब अपमान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज का अपमान किया और आदरणीय बाबूजी का अपमान किया। आज वो बाबूजी को ढाल बनाकर लोधी समाज का वोट फिर से हथियाना चाहते हैं। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आदरणीय अध्यक्ष जी, अब ये लोधी समाज जो है भटकने वाला नहीं है, क्योंकि जब जब हमारे समाज पे भारतीय जनता पार्टी ने अपमान करने की कोशिश की तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने उनका सम्मान बचाने का काम किया। एक बात, जब जनकंठ आरके पार्टी बनाई थी, आरकेपी बनाई थी, तो दो दो मंत्री आरकेपी के बाबूजी के सम्मान में माननीय नेताजी ने अपनी कैबिनेट में रखे थे। राजू भैया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया था और कुसुम राय को पीडब्ल्यूडी भी दिया था। और 2009 में जब माननीय बाबूजी एटा से चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे, उस समय सम्मान बचाने का काम माननीय नेता मुलायम सिंह जी ने किया था, अपना कैंडिडेट समाजवाद पार्टी का नहीं उतारा था। और इतना ही नहीं, वहां पर जनसभाएं की थी बाबूजी को जिताने के लिए और जिता के लोकसभा में भेज दिया था। और यही भारतीय जनता पार्टी ने एटा में चार चार कल्याण सिंह पैदा कर दिए थे। वोट भ्रमित हो जाए, बाबूजी हार जाए, ये सब आपके सामने है। जब महाराज साक्षी जी का अपमान हुआ तो समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी ने राज्यसभा में भेजने का काम किया था। साक्षी महाराज को राज्यसभा सांसद बनकर दिल्ली भेजता था। तो आप सबके सामने एक ही निवेदन है लोधी समाज के लोग, आने वाली 13 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाइए। और मैं भैया जी को इस मंच से आश्वासन देना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी में लोधी राजपूतों का 80% वोट पड़ता था, उसका 13 तारीख तक आपके हक में, समाजवादी पार्टी के हक में 60% वोट हो जाएगा, 60%। इन्हीं शब्दों के साथ जय समाजवाद, जय समाज। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, समाजवादी पार्टी, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे, जय समाजवाद। ये जो साथी इन पोल के नीचे खड़े हैं और जो चढ़े इन्हें नीचे उतार लो भैया, अगर टेंट गिरेगा तो लोग चोटिल हो जाएंगे। आपका उत्साह काबिले तारीफ है, लेकिन काम 13 तारीख को आना चाहिए। हम अनुरोध करेंगे भाई उमा शंकर फेरिया जी, शरद यादव जी, मुनेश राठौर जी, गुलामुद्दीन साहब, भाई अंशु पाल जी, भाई योगेश शर्मा जी, हमारे फ्रंटल के चारों पुराने साथी रहे, आए और आदरणीय जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। और ये जो ऊपर बैठे हो सुन क्यों नहीं रहे लड़के, ए ऊपर बैठो, नीचे उतर, बेटा नीचे उतरो, नीचे
मैं अनुरोध करूंगा इस ब्लॉक के जानदार ब्लॉक प्रमुख आदरणीय दिगंबर सिंह यादव जी से कि आए और अपनी बात कहें। भाई दिगंबर सिंह यादव जी, आज की अध्यक्षता कर रही श्रीमती उषा दुबे जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहां से प्रत्याशी माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव, विधायक ताहिर हुसैन से लेकर रेखा वर्मा जी, उर्मिला राजपूत जी, मंच पर बैठे हुए हमारे समस्त सम्मानित नेतागण, तिरवा विधानसभा से आए हुए हमारे समस्त बूथ प्रभारी, सह प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी, आए हुए समस्त साथियों, 13 तारीख को हम सब लोगों को बढ़ चढ़ के इतनी ताकत से मतदान करना है और इसलिए मतदान करना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां से जब चुनाव पहला चुनाव जीते थे और इसके बाद में कई बार चुनाव जीते, इतनी बड़ी जीत होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ी जीत हो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जीत हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तिरवा विधानसभा से आए हुए समस्त अपने नौजवान साथियों का, माताओं बहनों बुजुर्गों का बहुत बहुत स्वागत, आदर, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जो किसी नाम के मोहताज नहीं, कई बार के सांसद समाजवादी नेता आदरणीय ताऊ जी श्री छोटे सिंह यादव जी, हम सबके नेता माननीय अखिलेश जी मंच पर और मंच के सामने खड़े हुए समस्त साथीगण, मैं आप सबका इस शानदार उपस्थिति के लिए वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिस मन से बचपन से अखिलेश जी ने हम सबकी शान सम्मान और मान बढ़ाने की कोशिश की है, हम सबकी ड्यूटी है कि हम सबका कर्तव्य है कि उन्हें इतने वोटों से जिताएं कि हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बन जाए और उनका कोई मुकाबला नहीं है। हमारा नेता जिसके बारे में तरह तरह की बातें, मोदी अंग्रेजी बोलता है और हमारे नेताजी हिंदी बोलते हैं, वे शुद्ध बात करते हैं, जिसका साथ देते हैं, ईमानदारी से साथ देते हैं। मैं अपनी और अपनी उम्र के तमाम लोगों की ओर से अखिलेश जी से विनती करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबकी लंबी उम्र अखिलेश को मिले और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बरसों बरसों तक करते रहें, इस देश का नेतृत्व करते रहें। गरीबों और किसानों को जो सम्मान दिया है आपने, जो राजनीतिक चेतना जागृत की है नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने, आपने उसे आगे बढ़ाया है। मैं आपका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं और ईश्वर से विनती करता हूं कि वो आपको स्वस्थ रखे और इसी प्रकार आपका वर्चस्व बढ़ता रहे। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारे भैया, तुम्हारे भैया, काम वाले भैया, आए जाओ भैया, और आए गए भैया आदरणीय अखिलेश यादव जी। एक ही नारा, एक ही नाम, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आइए आदरणीय नेताजी। इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रही कांग्रेस पार्टी की नेता उषा दुबे जी, समाजवादी पार्टी के जिला के अध्यक्ष कलीम खान साहब,
मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र से कई बार रहे सांसद आदरणीय छोटे सिंह यादव जी, विधायक रेखा वर्मा जी, संचालन कर रहे अनिल पाल जी, ताहिर सिद्दीकी साहब पूर्व विधायक, रामोतार सैनी जी, उमा शंकर बेरिया जी, रामरतन प्रजापति, मुनीश राठौर, कुक्कू चौहान, राजीव नाथ बेगा जी, राम शंकर लोधी, उदय राजपूत जी, पप्पू वाल्मीकि जी, श्रीमती कंचन कनौजिया, आकाश साखी जी, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी चंद्रकांत यादव जी, दिनेश पालीवाल जी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस अनिल कठेरिया जी, शरद यादव जी, राघवेंद्र राजपूत, दिनेश बातम जी, मनोज सैनी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे महासचिव वर्मा और उपस्थित जो मंच पर हैं, बड़ी संख्या में हमारे सभी संगठन के नेता जो मंच पर हैं, इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहने, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका इस चुनावी जनसभा में आए हुए लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि मैदान के चारों तरफ हमें सरीसर दिखाई दे रहे हैं, हमारे मंच के बाईं तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में हमारे सपेरे भाई बहन भी आए हुए हैं, दाईं तरफ मंच के भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, जहां हेलीकॉप्टर खड़ा है वहां भी लोग दिखाई दे रहे हैं। आज की इस चुनावी जनसभा, ये जो चुनावी जनसभा में समर्थन आप लोगों ने दिया है, जो आप लोग सहयोग करने निकल पड़े हैं, अब इससे तो भारतीय जनता पार्टी का कन्नौज जिले से सफाया होना निश्चित है। मैं देख रहा हूं यहां लोगों का समुद्र हमें दिखाई दे रहा है, लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा है चारों तरफ, साधन हो नहीं हो तब भी लोग अपने चले आए समर्थन के लिए। मुझे लगता है कि इस बार कन्नौज के लोग, देश के जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जहां सबसे बड़ी जीतों में मुझे लगता है कि इस बार कन्नौज भी शामिल होने जा रहा है। ये बीजेपी वाले लोग, मुझे सुनने में आया है कि बीजेपी वाले लोग कुछ देर खुश हो गए थे, कुछ घंटों के लिए बड़ी खुशी मना रहे थे, कुछ ही घंटे खुशी मना पाए हैं। बताओ उनका हाल कैसा है अब? कहां चले गए बीजेपी वाले लोग? और इसलिए नहीं, हमारे कन्नौज के लोग जानते होंगे, जहां पर विकास छूटा था वहीं छूट गया, जहां विकास छोड़ा था हम लोगों ने उससे आगे ये कन्नौज का विकास नहीं किया इन्होंने, और इनको केवल 10 साल का हिसाब किताब नहीं देना है, बल्कि 17 साल का हिसाब किताब देना है। दिल्ली के 10 साल
और लखनऊ के सरकार के 7 साल, बताओ 17 साल का हिसाब देना है कि नहीं देना है इन्हें? और 17 साल में हमारे किसानों के साथ धोखा किया। किसान भाइयों, देश के प्रधानमंत्री जी आए थे कन्नौज में, कई बार आए और कह के गए थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ गुरसाईगंज में आए थे, तिरवा में आए थे, बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की पैदावार का लाभ क्या उनकी आय दोगुनी हो गई? आज आय दोगुनी नहीं की थी इन्होंने, काले कानून लाने का काम किया था और काले कानूनों से हमारे किसान भाइयों की जमीन छीनना चाहते थे। न केवल जमीन छीनना चाहते थे बल्कि उनकी पैदावार की लूट करना चाहते थे। हमारे किसान भाई पूरे देश के दिल्ली में बैठ गए, धरना दिया किसान आंदोलन को रोकने के लिए। बीजेपी के लोगों ने आरसीसी की दीवार बनवाई थी, कील लगवाई थी, ट्रैक्टर में कोई डीजल नहीं भरवा सकता था, लेकिन हमारे किसानों ने परवाह नहीं की। दिल्ली सालों साल घेरे रहे और तभी दिल्ली से लौटे थे जब काले कानून वापस हो गए थे। 1000 किसान शहीद हो गया इनकी सरकार में, 1000 किसान शहीद हुआ है। थार से किसान की हत्या हुई है, किसानों पे हम लोगों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, लेकिन किसान पीछे नहीं झुका, अपनी EMSP की मांग कर रहा है। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने तय किया है सरकार बनेगी तो अपने किसानों को MSP का कानूनी अधिकार दिलाने का काम होगा। न केवल किसानों को MSP का कानूनी अधिकार मिलेगा बल्कि हमारे किसानों का कर्ज भी माफ करने का काम होगा। और कर्ज इसलिए माफ करना चाहते हैं, इन बीजेपी वालों ने उद्योगपतियों का, बड़े बड़े लोगों का तो कर्ज माफ किया, और जब कर्ज माफ करने का इन्होंने नियम बनाए तो नियम यह बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिन लोगों का कर्ज है उनका कर्ज माफ हो जाएगा। हमारे किसान भाइयों बताओ, गांव के रहने वाले गरीब, इनका लाखों में हजारों में कर्ज होता है, इनका कर्ज ना माफ करना पड़े, इनका कर्ज कर्ज बना रहे, कर्ज इनका और सर पे चढ़ जाए, इसलिए इन्होंने नियम बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिन लोगों ने कर्ज लिया है उनका कर्ज माफ होगा। बीजेपी के सरकार ने 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का। हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं जिनका लाखों में कर्जा है, अगर वो करोड़ों में उद्योगपतियों का माफ कर रहे हैं तो अपने गरीबों का, किसानों का लाखों में जो कर्जा है वो माफ करने का काम होगा। ये हमारे नौजवान, ये जो नौजवान साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बीजेपी वाले गांव गांव कार्यक्रम चलवा रहे थे, विकसित भारत यात्रा। ये विकसित भारत यात्रा का अगर सहयोग हमारे प्रधानों ने ना किया होता तो इनकी विकसित यात्रा नहीं चल पाती। ये विश्व गुरु बनाना चाहते हैं देश को। हम बीजेपी के लोग कहना चाहते हैं, जिस समय हमारा किसान खुशहाल होगा विकसित भारत भी बन जाएगा, और नौजवान को नौकरी रोजगार मिलेगा तो विश्व गुरु भी हमारा भारत देश बन जाएगा। नौजवान साथियों, इस सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया धोखा आपको?
इन्होंने नौकरी निकाली, परीक्षा लिखवाई और बाद में पेपर लीक कर दिया। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और एक पेपर लीक नहीं हुआ, 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए। यही नौजवान जो तैयारी कर रहे थे सालों साल कोचिंग कर रहे थे, बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, किराया मांग करके उधार कर करके इन्होंने पढ़ाई पूरी की, कोचिंग की, और जब परीक्षा लिखी, जब वो परीक्षा दे करके नौजवान घर लौटा तो पता लगा पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। इस सरकार में जो भी परीक्षा हुई है सबके पेपर लीक हो गए। बताओ ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है? बताओ पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है, पेपर लीक करा रही है? और केवल पेपर लीक नहीं हुए हैं, बल्कि नौजवान जो हमारा दौड़ के भाग के दिन रात तैयारी करता था फौज की, क्या उसको फौज में भर्ती मिल जाएगी, पक्की नौकरी मिलेगी और वर्दी पहनने को मिलेगी, देश की रक्षा करने के लिए चला जाएगा, वो नौकरी भी इन्होंने आधी अधूरी कर दी। ये अग्निवीर वाली नौकरी, ये जो आधी अधूरी नौकरी है, हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नौजवानों सरकार बनेगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये 4 साल की नौकरी हमारा नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता। और ये अग्निवीर में कोई आपका सम्मान नहीं है, ना आपको कोई इसमें सम्मान मिलेगा, ना आपको कोई सुविधा मिलने जा रही है। और अगर शहीद भी हो गए तो आपको सम्मान के साथ घर नहीं पहुंचाएंगे। याद होगा आपको, ये नेताजी ने किया था कि अगर कोई जवान शहीद होता था तो उसको सम्मान के साथ उसके घर परिवार तक ला करके उसको सम्मान देते थे, ये नेताजी का फैसला था। आज अग्निवीर अगर कहीं शहीद होगा तो उसको सम्मान नहीं दे रही सरकार। अभी पंजाब का 18 साल का नौजवान अग्निवीर में भर्ती हुआ और शहीद हो गया, उसको घर पहुंचाने के लिए सरकार ने एम्बुलेंस भी नहीं दी, न सम्मान दिया, न उस घर परिवार की मदद की, और जो एम्बुलेंस लेके भी आई थी वो सरकार की एम्बुलेंस नहीं थी। हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं, बड़े बड़े विभाग जो सरकारी हैं उसमें सब नौकरी आउटसोर्स हो गई है, संविदा पे चली गई, कॉन्ट्रैक्ट पे चली गई, निजी हो गई। और ये जो हमारे खाकी वर्दी वाले कभी कभी आज तो अच्छा सहयोग कर रहे हैं, हमें आपको व्यवस्था में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी खाकी वाले भी हम लोगों को डराते हैं। ये लोग भी समझ लें, अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो फौज की भर्ती तो 4 साल की कर दी उन्होंने, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी, और ये नौकरी के बाद हमारे और आपके साथ ही घूम रहे होंगे। कभी कभी ये सवाल करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तो मैं उनसे पूछता हूं, बताओ क्या आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग हवाई जहाज बेच देंगे? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग पानी के जहाज भी बेच देंगे, बंदरगाह भी बेच देंगे? क्या बेच देंगे? क्या आपको पता था LIC बेच देंगे? आपको नहीं पता था, आपको ये भी नहीं पता था कि आधी रात ये नोटबंदी कर देंगे। बताओ क्या पता था आपको? तो इसलिए जहां ये चुनाव हमारे आपका भविष्य का है, वहीं आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है।
इसलिए बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे। ये जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया हम लोगों को, यही संविधान है जो हमें हक दिलाता है, यही संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है, यही संविधान है जो हमारे और आपके बीच में गैर बराबरी खत्म करने के लिए आरक्षण हम लोगों को देता है। ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, और ये हमारे आपको ये जो एक वोट देने का अधिकार है उसको भी छीनना चाहती है। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं जो संविधान बदलने के लिए निकले हैं उसको ये सब लोग मिलकर के बदलने का काम करेंगे। बताओ बदलोगे कि नहीं बदलोगे? और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इनके आपने होर्डिंग देखे? इनके होर्डिंग लगे बड़े बड़े शहरों में। ये जो डबल इंजन की सरकार के होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, और उस होर्डिंग में देख लो एक इंजन पहले से ही गायब है, और जो कन्नौज का खटारा इंजन है उसको जगह ही नहीं मिली है, उन्होंने पहले ही गायब कर दिया उसको। और जो खटारा इंजन का है उसका पुलिस से बहुत पुराना प्रेम है, हमारे पुलिस के भाई भी लोग भी बहुत प्रेम करेंगे उनको इस बार चुनाव में। इसलिए सावधान हो के नहीं सावधान हो। और ये सरकार वाले बताएं जिनकी नौकरी छीनी, बताओ हर नौजवान की नौकरी छीन ली परीक्षा देने वाले की, जो अगर हम कुल मिला के जिनके परीक्षा कैंसिल हो गई, जिनका पेपर लीक हो गया, वो ऐसे 60 नौजवान हैं, 60 लाख, अगर 60 लाख नौजवानों का और उनके मां बाप को जोड़ लें तो एक परिवार में 3 लोग नाराज हैं, तो अगर हम 60 लाख का गुणा 3 में कर दें तो 1,80,00,000 हुए, और यही 1,80,00,000 का अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से तो बताओ इनका 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया 2,25,000 कम वोट, तो बताओ बीजेपी बचेगी कैसे इस बार? क्या बचेगी बीजेपी इस बार? और इस बार तो हमारे क्षत्रिय भाइयों ने, हमारे क्षत्रिय भाई इस बार तलवार से नहीं मतदान मतवार करने जा रहे हैं, मत का बार करेंगे इनके ऊपर। जो लोग कभी अपनी तलवार से वार करते थे इस बार मतदान से वार करेंगे, मतवार होने जा रहा है। बताओ मतवार होगा इनके खिलाफ के नहीं होगा? हमारे लोधी समाज के लोग जो मेहनत करते हैं खेत, और हमारे गांव से लेकर के खेती बाड़ी से लेकर के अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाते हैं, सोचिए शाम के समय पर बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे कि लोधी समाज का वोट तो हम क्या कह रहे थे? शाम होते ही भाषा बदल जाती है, हमें कारण नहीं पता है कि क्यों कारण शाम होते ही भाषा बदल जाती है। बताओ हमारे लोधी समाज को क्या अपमानित कर रहे थे कि पैसे को लेकर के अपमानित करने का काम किया ये लोधी समाज के लोग, हमारे लोधी राजपूत समाज के लोग
बहुत स्वाभिमानी हैं, वीरांगना अवंती बाई के परिवार के सदस्य लोग हैं, जिन लोगों ने अपमानित किया है उनको इस चुनाव में अपने वोट से हिसाब किताब करने का काम करेंगे। और अपने लोधी राजपूत समाज के लोगों मैं कह के जा रहा हूं, मैं रसूलाबाद में हवाई पट्टी पे उतरा था, उस हवाई पट्टी पर केवल एक बार हवाई जहाज उतरा, दोबारा ये सरकार ने हवाई जहाज नहीं उतारा, खराब कर दिया। कोई इस हवाई पट्टी पे दोबारा उतरा तो मैं उतरा। मैं अपने लोधी समाज के भाई बहनों कहना चाहता हूं कि वो एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है उसका नाम वीरांगना, बोलो उनके नाम पे कर दें कि नहीं करें हम लोग, वीरांगना अवंती भाई उनके नाम पर हम लोग करने का काम करें। न केवल वीरांगना अवंती भाई के नाम पर वो एयरपोर्ट होगा, बल्कि तिरवा में जो पैरामेडिकल है, जो पैरामेडिकल नर्सिंग मेडिकल कॉलेज के सामने है, उसको भी उनके नाम से उनको सम्मान देने का काम करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर हो गया है, ना उसका कोई नाम हटा पाएगा और ना कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ आरक्षण उस मेडिकल कॉलेज से खत्म कर पाएगा। जैसे आरक्षण से उन्हें डॉक्टर पढ़ने की अनुमति मिली है, उनकी संख्या बढ़ी है, उसको और बढ़ाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा इलाका था, ये हमारे पुराने नेता जानते होंगे। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया था तो सड़कें ऐसी थीं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ये हमारे बुजुर्ग लोग जानते होंगे। हसेरन, इंद्रगढ़ाना, नादेमऊ जाना और इस इलाके में जाने में पूरा दिन लग जाता था, एक कोने से दूसरे कोने तक। जब यहां के विधायक रहे अनिल पाल जी के पिताजी विजय बहादुर पाल जी, वो जब हमारे साथ चलते थे तो बताते थे कितने दिन उन्होंने भूख हड़ताल की थी, जाने कितने दिन सड़क बनवाने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ती थी, तब भी सड़क नहीं बन रही थी। अगर किसानों का जाल बिछाया तो समाजवादी लोगों ने चारों तरफ सड़क बिछाने का काम किया। जब कभी खड़नी से निकलते थे तो बताओ खड़नी में कितने गहरे गड्ढे होते थे। खड़नी और जब कभी चपुन्ना से उधर जाते थे हम लोग एरवा कटरा या सौरे की तरह, तो बबूलों से अपनी गाड़ियों को रगड़ देती थी तब जाकर के निकल पाते थे। बताओ आज शिवरामऊ सौरे एरवा कटरा चार लेन की सड़क है कि नहीं है, बताओ आप। ये सब सड़कें हो गई ऑटमेस क्या नहीं हो गई, और जितने तार जितने ट्रांसफार्मर जितना बिजली का इंतजाम किया ये बीजेपी के चुनने के बाद, ये सब बिजली आना बंद हो गई। बताइए, बताओ बिजली आना बंद हो गई बीजेपी की सरकार में क्या नहीं, और बिजली आ भी रही तो बताओ बिल कितना देना पड़ रहा है, और मीटर लगा दिया वो अलग, और जब बिल आता है तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है, और बिजली आ नहीं रही है। जितनी समाजवादियों ने बिजली बनाई उतनी ये बिजली भी नहीं बना पाए, ना गांव तक पहुंचा पाए। मुझे याद है जब देश के पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुलाकात में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारी राय और सुझाव दिए थे, जिन सुझावों को हमने पूरा किया। और उस समय आपको याद होगा कि यहीं पर कलाम साहब आए थे
फकीर पुरवा में हम लोगों ने उनको कार्यक्रम में बुलाया था और उस गांव को वो बिजली की सुविधा दी थी कि आंधी तूफान भी आ जाए, तार टूट जाए, ट्रांसफर फूक जाए, लेकिन गांव की बिजली नहीं जाती थी और बिजली न जाने के साथ साथ उनको कभी बिल नहीं देना पड़ता था, पूरे गांव की फ्री बिजली थी। वही योजना कई गांवों में शुरू कर दी हमने, लेकिन इस सरकार ने उस गांव के अलावा किसी गांव में वैसी बिजली नहीं लगने दी और उस गांव में जो लगी हुई बिजली का इंतजाम था वो इस सरकार ने खराब कर दिया, फेंक दिया, खराब कर दिया। आज उस गांव के लोग उस बिजली के प्लांट से बिजली नहीं पा रहे, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी। ये बताइए धोखा हुआ क्या नहीं हुआ? और उमरदा में हम लोगों ने दूध का प्लांट लगवाया था और गाय के दूध का कारखाना लगवाया था जिससे गाय के दूध से बनी हुई चीजें हमारी बाजार में पहुंचे, शहरों में पहुंचे और हमारे किसानों को लाभ हो। मैंने उस समय कहा था, आपको याद होगा, कि अपने किसान भाइयों को अगर भैंस के दूध से 4 रुपए ज्यादा पैसे में हमें प्रति लीटर अगर दूध खरीदना पड़ेगा तो अपने गांव में रहने वाले किसान भाइयों के गायों का 4 रुपए महंगा दूध खरीद करके उस कारखाने को चलाएंगे। इस सरकार ने ना किसानों को रेट बढ़ के दिया बल्कि वो कारखाना था वो बंद करा दिया, अब बंद हो गया। आपके बच्चे पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाते वो इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिया। बताओ ये बंद हो गए कि नहीं बंद हो गए? और ये बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन वाला, बताओ सबके वैक्सीन लगवा दी? वैक्सीन लग गई सबके? और ये हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे, इन्हें दबाव डाल करके इनके वैक्सीन लगवा दी। ये जितने सरकारी कर्मचारी हैं, प्रेस के लोग हैं, इनके सरकार के लोगों ने दबाव बनाया, वैक्सीन लगवा दी। अब तो यूके के कोर्ट से फैसला भी आ गया है कि जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी है उनका हार्ट फेल जल्दी हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। बताओ वो जब अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखेंगे तो वोट किसको देंगे? बताओ भाजपा के खिलाफ वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जब वो अपना सर्टिफिकेट देखेंगे, बताओ इनकी जान को खतरे में डाल दिया कि नहीं डाल दिया बीजेपी वालों ने? और जब सर्टिफिकेट देखेंगे वैक्सीन का तो वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डालेंगे, ये हम जानते हैं। वैक्सीन हमने नहीं लगवाई, हमारे जैसे और भी साथी होंगे, हैं कुछ साथी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन बीजेपी ने वैक्सीन वालों से भी पैसे वसूल लिए। बताओ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से पैसे वसूले इन्होंने, बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा वसूल लिया इन्होंने, 1000 करोड़, 600 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, जो मीट का कारोबार करते हैं उनसे भी पैसा वसूला इन्होंने। बीजेपी वालों ने जो मीट का कारोबार करते हैं उनसे चंदा वसूला, वैक्सीन से वसूला, और ये जो पैसा वसूला है इसी की वजह से महंगाई है। बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पहले बाजार में जो बिस्किट पैकेट आता था, जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था, इतना बड़ा आता था, हमारे पुराने लोग जानते होंगे, ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा होता था। महंगाई और मुनाफे के चक्कर में बताओ पार्ले जी का बिस्किट छोटा पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? अब कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है? 5 का आ रहा है। इनकी सरकार और चली
तो एक बिस्किट वाला पैकेट आएगा एक बिस्किट का। ये पार्ले जी से ही सीखें, हमारे किसानों की बोरी से चोरी। बताओ बोरी से चोरी 5 किलो हो गई कि नहीं हो गई? बाद में 5 किलो और हो गई कि नहीं हो गई? इनकी सरकार आ गई तो आपको हमको खाद पाउच में मिलेगी, बोरी में नहीं मिलेगी। हम लोगों ने आप लोगों को लैपटॉप दिया था इतना बड़ा, याद है? और जहां कहीं किसी पर होगा वो आज भी चल रहा होगा, जब उसको चलाते होगे तो नेताजी की तस्वीर दिखाई देती होगी। इन्होंने इसकी भी नकल कर ली, तस्वीर की अपनी तस्वीर डाल दी। हम लोग इतना बड़ा लैपटॉप दे रहे थे, ये कितना दे रहे हैं बताओ मोबाइल? हम लोगों ने तस्वीर डाली तो इन्होंने भी तस्वीर डाल ली। और ऐसे उंगली घिसते रहो, बताओ चलता है कि नहीं चलता है? बताओ घटिया दिया कि नहीं दिया? और हम आपको कहना चाहते हैं, जब चुनाव था तो राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे, आज बताओ राशन में क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है राशन में? ये बाजरा क्या ज्यादा पौष्टिक होता है क्या? बताओ क्या राशन में मिल रहा है? 400 रुपए का राशन और महंगाई से आपसे हजारों करोड़ रुपए वसूल लिए, आप घर जाके हिसाब किताब लगाना। 400 रुपए का राशन देके महंगाई करके बताओ हजारों रुपए ये वसूल रहे हैं कि नहीं वसूल रहे हैं? डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, और दवाई का जो पर्चा था बताओ दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? दवाई के पर्चे छोटे हो गए कि नहीं हो गए? अरे जो पेट दर्द की दवा है वो भी महंगी हो गई कि नहीं हो गई? बुखार की दवा महंगाई हो गई? सोचिए इन सरकार के लोगों ने दवाई से लेकर के सब महंगा कर दिया, महंगाई कहां पहुंच गई? ये मुनाफा कमाने के चक्कर में महंगाई है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हमारे गठबंधन की सरकार बनने पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से बड़े लोग संपन्न लोग पैकेट का आटा खा रहे हैं, गुणवत्ता के साथ उन्हें पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं, स्वादिष्ट भी है पौष्टिक भी है, क्योंकि आटे का बाजार बढ़ गया तो हमारे बाबा रामदेव योग छोड़ करके आटा वो भी पैक करके बेचने लगे। इसलिए अपने गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं कि राशन की गुणवत्ता तो करेंगे बेहतर, राशन की गुणवत्ता तो करेंगे बेहतर, राशन की गुणवत्ता के साथ अपने गरीबों को पौष्टिक पैकेट का आटा के साथ साथ डाटा फ्री देने का काम करेंगे। डाटा इसलिए, डाटा आटा पौष्टिक और फ्री डाटा देने का काम करेंगे, क्योंकि आज डाटा से ही सब कुछ चल रहा है, मोबाइल से लेकर के सब जानकारी हासिल हो रही है। इसलिए हम लोग आपकी मदद करेंगे, विकास करेंगे। यही हसेरन हमारे सांसद जी ने गोद लिया था, गोद लेकर के भूल गए, गोद लेके गोल कर दिया उन्होंने विकास। यहां पर हमारे शिक्षा मित्रों को भी धोखा दिया इन्होंने, ये हमारे अनुदेशक है इनके साथ भी न्याय नहीं किया है, हर वर्ग के लोगों को दुख पहुंचाया इन्होंने। इसलिए मैं जानता हूं इस बार कन्नौज की सुगंध नकारात्मक राजनीति करने वालों के लिए, नकारात्मक भाषा बोलने वालों के खिलाफ मतदान करने जा रही है।
इस चुनाव में नकारात्मक नैरेटिव और नकारात्मक राजनीति करने वालों का सफाया होगा। सफाया करोगे आप लोग? अपनी माताओं बहनों के लिए पढ़ाई से लेकर के इंडिया गठबंधन ने तय किया कि इन्हें लखपति कैसे बनाया जाए, इन्हें लखपति साल में बनाने का काम भी इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। 30 लाख नौकरियां जो खाली पड़ी हैं सरकारी विभाग में वो भरी जाएंगी और अपने किसानों से लेकर के नौजवानों को सुविधा दी जाएगी। बताओ मदद करोगे आप लोग? अभी तक जहां जहां प्रचार कर रहे थे हम लोग दूसरों के लिए सहयोग और मदद मांग रहे थे, दूसरों के लिए अपील कर रहे थे जनता से, लेकिन कन्नौज आते आते हमें अपने लिए भी आपसे मदद मांगनी पड़ रही है। बताओ आप लोग हमारी मदद करोगे? अभी तक तो औरों के लिए वोट मांग रहे थे, बताओ वोट देकर के हमारे जिताओगे हमें? ये सही है, बड़ी राजनीति में हम लोग बड़ी राजनीति में उलझ गए। हम लोगों ने नेताजी खोने के बाद नेताजी के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है। न केवल हम लोगों ने नेताजी को खोया, हमें याद है जब पहला हमारा चुनाव था तो हीरालाल यादव जी भी थे, वो भी यहीं से विधायक रहे। विजय बहादुर पाल साहब भी थे, बहुत सारे और नेता अनिल दौरे से लेकर के और नेता थे, कप्तान सिंह यादव जी थे, बहुत सारे नेताओं के साथ उस समय उन्होंने हम लोगों को चलना सिखाया, राजनीति में आगे बढ़ाया उन लोगों ने। आदरणीय छोटे सिंह यादव जी हैं और हमारे नेता हैं जो पहले दिन से जब चुनाव में लड़ना शुरू किया हूं तब से साथ हैं। और हम लोगों ने ईमानदारी से कन्नौज लोकसभा का जो कुछ विकास हो सकता है हम लोगों ने विकास कराने का काम किया। इस क्षेत्र में सड़क बिजली पानी से लेकर के जो सुविधाएं दे सकते थे दी हैं। और एक समय ऐसा आया था देश और दुनिया की जब सबसे बेहतरीन सड़क बनानी थी तो हमने उसकी लाइन अपने कन्नौज से ही 20 से गुजारने का काम किया। आज जो सड़क बनी है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यहां से जब चढ़ जाते होगे उस पे तो महसूस करते होगे कैसी सड़क बनी है। बताओ सड़क बना दी ऐसी, दिल्ली लखनऊ को जोड़ दिया कन्नौज से और बिना भेदभाव के समाजवादियों ने काम किया। ये एम्बुलेंस जो चल रही थी गरीबों के लिए, इस सरकार ने एम्बुलेंस खराब कर दी। हमारी माताएं बहनें अगर इलाज के लिए जाएं तो एम्बुलेंस अब समय पर नहीं आती, एम्बुलेंस आ भी जाए तो अस्पताल में इलाज और दवाई नहीं है। इन्होंने न केवल एम्बुलेंस बर्बाद की बल्कि अस्पतालों में इलाज दवाई कुछ नहीं रखा। ये पुलिस को 100 नंबर गाड़ी दी थी, आप पुलिस को जब बुलाते हो तो जैसे 12 बढ़ गया वैसे इन्होंने अपना वसूली भी बढ़ा दी, और 100 नंबर मिलाते हो घटना में पहुंचती है दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेती है। ये हो रहा है सरकार में, इसलिए मदद करना आप लोग। हम आपसे अपने लिए निवेदन करने आए हैं, बताओ जिताओगे आप लोग और ये धोखेबाजों को हराओगे? और जिनकी शाम होते ही भाषा बदल जाती है, जिनकी शाम होते ही भाषा बदल जाती है, अपमानित करते हैं समाज के लोगों को। हमारे साक्ष समाज के लोग बैठे होंगे, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई थी, जैसे इन्होंने वीरांगना अवंती बाई की प्रतिमा हटाई, मूर्ति हटाई, वैसे ही भगवान बुद्ध की भी मूर्ति हटा दी थी इन्होंने।
मैं जानता हूं अपने हर समाज के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। इन्हें हटाइए, भाजपा हटाओगे तो महंगाई कम होगी, भाजपा हारेगी तो संविधान बचेगा, भाजपा हारेगी तो नौकरी मिलेगी, भाजपा जाएगी तो खुशहाली आएगी। भाजपा हटाओ सब मिलकर के, यही निवेदन मैं आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आप सबका।